हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक। बैक्टीरियोलॉजी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है? कल्चर मीडिया। देखिए, कल्चर मीडिया वगैरह क्या है, इस पे आते हैं, पहले जानते हैं। बेसिकली पहले तुमको मैं आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि अगर आपके लेबोरेटरी में, सपोज दैट जब आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में जनरली सैंपल्स कहीं से भी आते हैं, किसी भी फ्रूट से आते हैं, जिससे जिसमें कि आपको ब्लड सैंपल भी इंक्लूड होता है, यूरिन सैंपल भी इंक्लूड है, सीएसएफ भी इंक्लूड है, कोई पस भी इंक्लूड होगा, स्पूटम भी इंक्लूड होगा, लॉट ऑफ टाइप के सैंपल्स आते हैं, स्टूल भी हो सकता है। तो कोई भी, सपोज दैट आप 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के लिए तौर पर आप समझ सकते हैं कि कोई ब्लड का सैंपल आया है 1 ml का, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता सैंपल, 2 ml, 3 ml, 5 ml, इससे ज़्यादा तो सैंपल नहीं आ सकता है। कोई स्पूटम आया है जिसके अमाउंट है 2 ml, इससे ज़्यादा तो स्पूटम का सैंपल नहीं आ सकता है। तो उस 2 ml के स्पूटम के सैंपल से सपोज दैट हमने स्लाइड बनाया, हमें ग्राम स्टेनिंग करनी है, नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं। 2 ml के सैंपल से हमने थोड़ा सा स्लाइड को उठा के उसकी स्लाइड बनाई। अब 2 ml के सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, आज हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया भी, फंगस भी, वायरस भी, पैरासाइट भी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, और कल्चर मीडिया जो हम लोग बैक्टीरिया के रेफरेंस में ही जानेंगे, क्योंकि कल्चर मीडिया जो है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए ही यूज की जाती है। ऐसे फंगस को ग्रो करने के लिए भी मीडिया यूज की जाती है, वो सारी अलग चीज़ें हैं। तो जो हमारे पास सैंपल आया उससे हमने स्लाइड बनाया, स्लाइड बना के हमने ग्राम स्टेन किया, और स्लाइड 2 ml का हमारे पास सैंपल आया था, सपोज दैट इज स्लाइड है। इस 2 ml के सैंपल में हमने टिप पे उठाया, इनोकुलेटेड लूप पे उठाया, तो मुश्किल से 5 माइक्रोलीटर सैंपल आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर ही उस पर एक बार में सैंपल आता है मैक्सिमम। तो उस 2 ml के सैंपल में फ्यू अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होगा, जो 5 माइक्रोलीटर हमने सैंपल लिया उसमें तो और भी कम चांसेस है बैक्टीरिया आने के, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है आए कभी। तो 5 माइक्रोलीटर से हमने सैंपल से स्लाइड बनाया जिसमें ऑलरेडी बहुत, 5 माइक्रोलीटर बहुत कम बैक्टीरिया आए होंगे। अब 5 माइक्रोलीटर को हमने इतनी जगह पे स्प्रेड किया, इतना डायमीटर में, कम से कम 2 mm की डायमीटर, 2 mm की डायमीटर नहीं, कम से कम हम लोग 2 cm के डायमीटर में हमने इसको स्प्रेड आउट किया, ठीक है सर। अब इस 2 cm के डायमीटर में जो हमने स्प्रेड किया है, या 1 cm के जितने के भी आपने डायमीटर में स्प्रेड किया है, एक तो 5 माइक्रोलीटर में कम था, इसको हमने स्प्रेड कर दिया 2 cm तक। 2 cm में अब इसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो पता नहीं कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। जैसे ही माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा एक फोकस जाएगा वो कहीं एक जगह पे जाएगा, सारे जगह पे एक टाइम में तो नहीं फोकस होगा। जब हम लोग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घुमा कर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब सारे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें एक तो ऑलरेडी इसमें कम 2 ml आया था सैंपल, उसमें ऑलरेडी कम बैक्टीरिया था, 5 माइक्रोलीटर आया उसमें और कम हो गया, और उसको और इतना दूर में स्प्रेड करके एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या और भी कम हो गई। तो कम होते होते इतना कम हो गया कि हमें यहाँ ऑब्जर्व नहीं भी हो सकता है। अगर ह्यूज अमाउंट में इन्फेक्शन था इस स्पूटम में, इस ब्लड में, या इस जो भी सैंपल आया था उसमें, तब तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ ऑब्जर्व हो भी सकते हैं, और अगर बहुत ही लेस अमाउंट में होगा तो यहाँ ऑब्जर्व होने की चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। जबकि इस पेशेंट में इन्फेक्शन है लेकिन जो सैंपल आया उसमें उतना अमाउंट में नहीं था जिससे हमने ऑब्जर्व कर पाया। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अभी, जबकि पेशेंट हम तो अगर नेगेटिव आपने दे दिए उसको रिपोर्ट पेशेंट का, तब तो नेगेटिव रिपोर्ट चला जाएगा, जबकि पेशेंट पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट सही मायने में नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में क्या उपाय, क्या किया जा सकता है, आपको एक स्मॉल एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, पहले आप समझिए बात को। जैसे सपोज दैट कि आप खेती करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 kg धान ले आओ, क्या ले आओ, मार्केट में जाओ, 1 kg धान को खरीद कर ले आओ, उसकी कुटाई करो, कुटाई का मतलब गुड़ाई बोलते हैं, उसकी गुड़ाई करके उससे जो चावल के दाने होते हैं उन्हें निकालो। 1 kg धान में कितने चावल के दाने निकलेंगे, मुश्किल से 700 ग्राम या 750 ग्राम, हार्डली, किसी किसी में 600 ग्राम, यही धान उससे चावल के दाने निकलेंगे। उन चावल के दानों को अगर आप 4 लोगों की फैमिली है आपकी, तो वो 700 ग्राम के चावल के दाने कितने दिन चलेंगे, मुश्किल से 2 दिन चलेंगे 4 लोगों में, ठीक है। 1 kg आपने चावल लाया,
धान लाया, धान के बीज को कुड़ाई करके आपने उसे चावल के दाने निकाले, उससे 750 ग्राम चावल का दाना निकला और दो परिवार, 4 लोगों का परिवार 2 दिन खा पाया। सेम उसी 1 केजी धान को, अब दूसरा फिनोमेना आपको बता रहा हूँ, वही 1 केजी जो धान आपने सैंपल लाया उसको बहुत बड़े से लैंड में, बहुत बड़े से फर्म में उसकी फार्मिंग कर दो, खेती कर दो, बुआई कर दो, और बुआई करके जो धान का नॉर्मल प्रोसीजर होता है उपज चाहने का, वो सारे प्रोसीजर फॉलो करो। एक बड़े से लैंड में 1 केजी धान बहुत बड़े लैंड में लगाया जा सकता है। वही 1 केजी धान को आपने बड़े से लैंड में फर्म में उपजाया, ग्रोथ करवाया, तो उसका जो रिप्रोडक्शन आया वो लगभग 1 क्विंटल आया। कितना आया? 1 क्विंटल आया। अब इस 1 क्विंटल को आप गुड़ाई करो, कुटाई करो और चावल के दाने निकालो। 1 क्विंटल से कितना चावल के दाने? लगभग आपको 70 से 80 केजी चावल के दाने निकल गया। अब वो चावल के दाने जो 70 से 80 केजी चला, 4 लोगों की फैमिली कितने दिन तक खा सकती है? 2 4 5 महीने तक खा सकता है। दोनों सेम चीज थी। 1 केजी चावल हमने डायरेक्ट कंज्यूम किया, 2 दिन भी नहीं चला, और 1 केजी को हमने पहले हार्वेस्टिंग करी, फार्मिंग, फार्म में हार्वेस्टिंग किया, ग्रो करवाया, तो वो ह्यूज अमाउंट में हो गया। ऐसा हमने क्यों किया? सेम छोटा से अमाउंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए। वही चीजें यहां माइक्रोबायोलॉजी में भी की जाती है। स्मॉल अमाउंट में आपके पास सैंपल आया है स्पुटम का, उसमें बहुत ही फ्यू अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। अब उसका हम लोग क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी हम लोग खेती करेंगे, उसकी हम लोग फार्मिंग करेंगे। लेकिन हार्वेस्टिंग कहाँ पे? वहां हमने धान की बुआई कहाँ करी थी? लैंड पे, फार्म में, खेत में। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया को हम लोग लैंड में नहीं, बैक्टीरिया को हम लोग एक मीडिया में हार्वेस्ट करते हैं, एक मीडिया में ग्रो करवाते हैं, एक मीडियम होता है उसमें ग्रो करवाते हैं, और उसी मीडियम को, मीडिया को बोला जाता है कल्चर मीडिया। जिस मीडिया में किसी भी इन्फेक्टेड सैंपल या स्पेसिमेन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड मटेरियल को ग्रो करवाने के लिए जो मीडियम को यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है कल्चर मीडिया। क्लियर हुआ सर आपको? हम लोग यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए भी सेम वे में वैसे ही हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि छोटा सा फ्यू अमाउंट ऑफ सैंपल को हम लोग ग्रोथ करवा के ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंगे। उसके बाद जब हम लोग ग्रो करवा लेंगे, अब ग्रो हमने जब मीडिया में करवा लिया तो स्पेसिफिक जो ग्रोथ आया हुआ होगा उसको हम लोग नेक्स्ट आई से देख पाएंगे, उसी ग्रोथ को उठा के और स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे। देन हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इस पेशेंट में इसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, क्योंकि अब हमने उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा लिया ना ह्यूज अमाउंट में। अब हमारे पास थोड़ा सा सैंपल नहीं है जिसका हमें डर भी है कि अब इसमें ऑब्जर्व होगा नहीं होगा या नहीं होगा। अगर उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया हुआ होगा अगर अवेलेबल होगा, उस प्रेजेंट होगा उस सैंपल में, तो ग्रोथ आ जाएगा और ऑब्जर्वेशन करके उसको बता देंगे। फर्दर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है सिंपल फिनोमेना कल्चर मीडिया के। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा और इस बात को समझिए। जैसे हम लोग धान की जब फार्मिंग किए खेत में, 1 केजी धान को हमने पूरे के पूरे लैंड में जब बुआई कर दी उगने के लिए, तो उसमें हमने कुछ एडिशनल मटेरियल भी यूज किया होगा जिसको हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं, हिंदी में उर्वरक बोलते हैं या खाद बोलते हैं, DAP, यूरिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टाइप्स के आजकल फर्टिलाइजर हैं। हमने उसमें फर्टिलाइजर समय टू समय दिया होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ जो हमने धान की बुआई करी है उसमें अच्छा रिप्रोडक्शन आए, जो भी प्रोडक्शन लेवल आए, जो प्रोडक्ट बने वो ह्यूज अमाउंट में बने और अच्छा बने, ज़्यादा अमाउंट में बने, इसलिए हमने एडिशनल फर्टिलाइजर उसमें ऐड किया। अगर हम एडिशनल फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते हैं तो या तो उपज कम हो जाएगी, जो रिप्रोडक्शन होगा वो या तो फ्यू अमाउंट में होगा या तो फसल ही उतना अच्छा से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? एडिशनल रिक्वायर फर्टिलाइजर को ऐड किया धान की खेती में। सेम वे यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मीडिया में भी हम लोग एडिशनल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बट वहाँ जो धान को उपजाने के लिए, गेहूं को उपजाने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। यहाँ पे जो मीडिया में यूज किया जाता है एडिशनल एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट। तो एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होता है मीडिया के, कि मीडिया में ये सारे एलिमेंट्स कंस्टिट्यूएंट आप ऐड करेंगे तो ही उसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और कुछ जो होता है स्पेशल फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, कीटनाशक भी यूज किया जाता है ना बीज उपजाते समय, उसी तरीके से बैक्टीरिया को उपजाते समय भी कुछ स्पेशल कंस्टिट्यूएंट भी यूज किए जाते हैं ताकि केवल पर्टिकुलर उसी बैक्टीरिया के ग्रोथ हो पाए।
जैसे आपने धान के फार्मिंग करते हैं तो उसमें और भी कुछ तरह तरह के घास उगाते हैं ना, तो आप केमिकल डालते हैं, कुछ पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि वो सारे के सारे मर जाएं, केवल धान ही हो गए। उसी तरीके से कल्चर मीडिया में भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए ऐसे एडिशनल जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होते हैं से होते हैं, कुछ एडिशनल कंस्टिट्यूएंट और ऐड किए जाते हैं ताकि केवल उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और की ग्रोथ ना हो। ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडिया की हम लोग बात करते हैं कि मीडिया में कौन कौन से नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, बेसिकली हर एक मीडिया में वो कंस्टिट्यूएंट पाया ही जाएगा, पहले उसका डिस्कशन करेंगे। पहले क्या हम लोग जानेंगे, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडिया। मीडिया का मतलब कल्चर मीडिया। आप लोग वो मीडिया नहीं समझेंगे जो मीडिया वाले होते हैं भाई लोग, आज तक वाले, इंडिया टीवी वाले, एनडीटीवी वाले, जी न्यूज वाले, ये सब वाले मीडिया नहीं, पत्रकार नहीं। मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आ गया। एक्चुअल मैं बातें करता नहीं हूँ लेक्चर के ड्यूरिंग में, चूँकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन मुझे याद आ गया तो सुनाता हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ हुआ घटना है, मुझे लगता है कि ये बात 11th या 12th की है, जब मैं 10th पास आउट करके 11th में गया, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहली बार मैंने मीडिया का नाम सुना, इस कल्चर मीडिया का। हालांकि जानकारी तो 11th 12th में भी बहुत कम ही मिला, जब मेडिकल कॉलेज में गया तभी अच्छा जानकारी मिल पाया। तो जब एक मैम थी, मैम आई, मैम आके बोली कि मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, सब खड़े होकर बताओ। तो मुझे कोई मीडिया के बारे में एक्चुअल में 10th तक का कुछ भी, चूँकि मैं CBSE से नहीं हूँ, आजकल तो CBSE में अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, हर एक बोर्ड में आजकल का जो एजुकेशन लेवल है बढ़ गया। जब मैं पढ़ा करता था, आज से मुझे लगता है कि 10 साल पहले की बात है, जब मैंने मैट्रिक करी थी, जब मैंने सेकेंडरी 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो 10 साल पहले इतना एजुकेशन हाई लेवल की नहीं थी। आपको खुद से स्ट्रगल करनी, मतलब थी, हाई लेवल की उस समय भी थी, वो थोड़ा दूसरे टाइप का एजुकेशन हुआ करता था उस समय, क्योंकि उस समय इतने सारे एडवांस सिलेबस उसमें ऐड नहीं किए गए थे, उसमें लेंथी सिलेबस ऐड किए जाते थे। एक एक मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते थे, दो दो तीन तीन पेज का जाया करता था, इवन पांच पांच पेज में हुआ करता था, तो लेंथी सिलेबस हुआ करता था, एडवांस सिलेबस नहीं। एडवांस सिलेबस आजकल यूज, वो हम लोग जो है 30-40 साल से एक ही सिलेबस चले आ रहा था, उसी को पढ़े जा रहे थे। आजकल तो सब कुछ चेंज हुआ है, आजकल तो आप CBSE से अगर पढ़ते हैं ना तो 7-8 में ही आपको मीडिया की जानकारी हो जाएगी कि मीडिया क्या चीज़ें हैं, कान ईयर क्या है, टीथ कितने, दांत कितने प्रकार के होते हैं, सब अब 6, 5, 6 में पढ़ लेते हैं CBSE में। तो मैं आफ्टर 10th पास करके 11 में गया और मैडम आई, बोली कि आप लोग मीडिया जानते हैं, मीडिया का टाइप, सबने हाथ उठाया, मैंने भी हाथ उठाया कि हाँ मैं भी मीडिया जानता हूँ, जबकि आई हैड नो एनी नॉलेज एट दैट टाइम अबाउट द मीडिया। मेरे सेंस में मीडिया आया यही कि आज तक वाले, जी न्यूज वाले, NDTV वाले, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं खड़ा हुआ अपने, मैडम ने मुझे खड़ा की, कॉन्फिडेंस से मुझे ही सबसे पहले खड़ा किया गया, क्योंकि भगवान की, माँ सरस्वती की देन है कि दिमाग पहले भी अच्छा था, मैं पढ़ाई अच्छा किया करता था, पढ़ने वाला स्टूडेंट शुरू से रहा हूँ, ये तारीफ नहीं, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आप भी पढ़िए, ध्यान दीजिएगा तो आप भी ऑनेस्टली बन सकते हैं। तो मुझे खड़ा किए मैडम ने, बोली बेटा हाँ बताओ मीडिया। तो मैंने बता दिया, मैम मीडिया तो आजकल हमारे देश में बहुत से टाइप के हैं, कुछ रेडियो के मीडिया होते हैं, कुछ अखबार के मीडिया हैं, कुछ टीवी वालों के आजकल ज़्यादा नाम निशान चल रहे हैं, जैसे कि आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, NDTV हो गया, ये ऑफलाइन जितने सारे नाम थे। पूरी क्लास ने कम से कम आधे घंटे ठाके मार के हंसे मेरी बात पे, मतलब पूरे उस लेक्चर में मेरा ही बात कभी भी कुछ बात आता, अच्छा वो बात केवल उसी दिन की नहीं रही, सबने क्लास में हंसा। लगभग 1.5 साल तक कभी भी मीडिया की नाम आती तो सब लोग एक बार मेरी तरफ जरूर देखते। तो ये था मीडिया की बात। खैर वो मेरी नादानी थी जो मुझे शायद नहीं पता था उस समय, परंतु अब देखो कि उस समय मुझे मीडिया के बारे में नहीं पता था और आज के लेक्चर में मीडिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये समय की बातें हैं और बच्चे नादान अक्सर होते हैं। तो मैडम ने उस बात को माइंड नहीं किया, क्योंकि मैम जानती थी कि ये बच्चा हैं, बच्चों को क्या पता। कोई भी एक बात आप हमेशा ऑनेस्टली जानिए अपने दिमाग में कि कोई भी बंदा इस धरती पे जो आया है, कोई भी ह्यूमन, वो अपने लाइफ में कोई भी चीज़ पहली बार ही करता है। कोई भी अपनी माँ के कोख से, अपनी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है। सब यहीं सीखे, यहीं जाने और यहीं पढ़े, यहीं बढ़े और यहीं पर मिट के चले गए।
तो मैं भी वहाँ अपनी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आया था, यही मुझे भी किसी शिक्षक ने ही सिखाया, किसी टीचर ने ही बताया पढ़ाया, मैं पढ़ा, फिर आप लोगों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप लोग किसी और को बताएंगे, ऐसे ही चलता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो चलिए अब हो गई बातें, मुझे लगता है बहुत सारा मैंने टाइम वेस्ट किया। तो मैं मीडिया की बात बता रही थी, तो मीडिया दैट मीन्स कि वो वाला मीडिया नहीं, ये मीडिया जो होता है कल्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस एलिमेंट्स को हम लोग मीडिया कहते हैं। ठीक है सर, तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि जनरल या नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडिया क्या होता है। कहने का मतलब है कि ए वाला मीडिया, ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे, लगभग लगभग सबके सब मीडिया में ए वाले कंस्टिट्यूएंट, ए वाले एलिमेंट्स पाए ही जाएंगे। अगर किसी को अनदर यूज करना है, जैसे आप धान की खेती करेंगे तो आपको यूरिया डालनी ही डालनी है, ये नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है। उसके अलावे आप उसमें डीएपी डालिए, कोई इफको और आता है वो डालिए, कोई पेस्टिसाइड डालिए, वो अलग अलग आपको जिस अकॉर्डिंग डालना है डालते डालिए, डालते रहिए, लेकिन यूरिया आपको डालनी ही डालनी है, फर्टिलाइजर वहाँ उसी तरीके से ए है।